अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में मौजूद एजुकेशन सेंटर की तीन बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। वन बाय वन डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आइए वीडियो की जानब। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पीएमडीसी अपडेट, उनके ट्विटर अकाउंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन दिया गया है। दिए गए नोटिफिकेशंस के मुताबिक यहां पे जॉइंट सेक्शन जो कि 22 सितंबर को हेल्ड किया जा रहा था, वो अब 20 अक्टूबर को हेल्ड किए जाने के चांसेस हैं। 22 सितंबर वाली डेट्स ख़त्म हो चुकी है, यानी मज़ीद एक मंथ डिले हो चुका है। यहाँ जैन जुमेरात वाले दिन 20 अक्टूबर को ये कंडक्ट होगा। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अब्दुल कादर बटेल की जानब से यहाँ पे मेंशन किया गया है उनको, और इसके अलावा पीएमसी को मेंशन किया गया है। यहाँ पर इन तमाम मामलों का काफ़ी सिर्फ एक ही मकसद है कि जहाँ पे जॉइंट सेक्शन को जल्द से जल्द बुलाया जाए। अगर पीएमसी बिल मुनक्कद होना है तो इस सूरत हाल में जॉइंट सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। सदर पाकिस्तान से इसकी मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से मंजूरी ना होने की वजह से पीएमडीसी रुकावटों का शिकार है, जिसकी वजह से जॉइंट सेक्शंस यहां पे जोर दिया जा रहा है। जॉइंट सेक्शंस के बारे में बार बार जॉइंट सेक्शन को बुलाया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसको मज़ीद डिले किया गया एक महीने तक के लिए। और इसके बाद दूसरे नंबर पर यह बात है कि एचईसी की तरफ से यहाँ पे हायर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि यूके की जानिब से अनाउंस किया गया है पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन कर दिया गया है, तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर MBBS से रिलेटेड फील्ड स्टूडेंटों के लिए है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम डिटेल आप HEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इस हवाले से तमाम डिटेल HEC की वेबसाइट पर मौजूद है, आप वेबसाइट का विजिट करें, आप तमाम तर डिटेल आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम तर डिटेल यहां पर मौजूद है। इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बाद में बना दूंगा, जिसमें हम सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तीसरी बड़ी अपडेट जो कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनके यहाँ पे विजिट करने के बाद पाकिस्तान के लिए डबल स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान स्टूडेंटों के लिए। तो इसके लिए अभी तक अप्लाई मेथड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो नहीं किया गया, लेकिन इसमें डिटेल दी गई है कि यहाँ पर आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी क्या अपडेट कुछ आई हैं, कुछ अभी बाकी हैं। मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और नोटिफिकेशंस के बाद उसके अप्लाई करने का प्रोसेस और दोबारा बाद में ओपन होता है, जिस पर स्टूडेंट फिर बाद में अप्लाई करते हैं, तो वो वक्तन जैसे ही अपडेट आएगी आपसे शेयर कर देंगे। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट दी गई है, इस पर डिटेल जैसे ही मिलेगी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। जो ये कि कुछ अपडेट्स थी तो ये शेयर करना आपसे साथ लाजमी थी। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप एजुकेशन से रिलेटेड और MBBS और MD कैट की वीडियो से रिलेटेड रहें बाखबर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।